निगम भिलाई क्षेत्र के तालाबों में अब तक साफ सफाई का कोई ठिकाना नहीं है। तालाबों को अभी भी गाजर घास और कमल के फूलों से ढक रखा गया है, जिससे निस्तारी करने में लोगों को दिक्कत आ रही है। नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र के तालाबों की अगर बात करें तो कुछ को छोड़कर बाकी सभी अब भी सफाई की बाट जो रहे हैं। जिस प्रकार सुपेला संजय नगर का तालाब अपने सफाई की बाट जो रहा है और दूसरी तरफ निगम प्रशासन सभी तालाबों की साफ सफाई पूरी हो जाने का दावा कर रहा है। और तो और भीषण गर्मी के दिनों में तालाबों में जल भराव के लिए कोई व्यवस्था भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से तालाबों में पहले से पड़ा हुआ पानी भी दूषित हो चला है। परंतु निगम प्रशासन का दावा है कि तालाबों की साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देकर अभियान के तहत साफ सफाई करवाई जा रही है और भीषण गर्मी में जिन जिन तालाबों के जल स्तर गिर चुके हैं उन्हें वापस सुधारा भी जा रहा है। देखिए, निस्तारी वाले तालाब को भरने के लिए जो है जैसे ही नहर से पानी छोड़ा गया था और निस्तारी तालाबों को भरने का काम किया गया है। और इसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे निस्तारी वाले तालाब हैं उनको फोकस करके उनको भरा गया है। और तालाब का कई जगहों पे गहरीकरण भी किया जा चुका है पूर्व में, ताकि जो तालाब का सोर्स है पानी बना रहे। देखिए, सफाई का कार्य तो निरंतरता पे रहता है और समय समय पे सफाई का कार्य किया जाता है और सफाई का कोई अभाव नहीं है। और तालाबों को जो भी निस्तारी तालाब है उनको भरने का तो काम जो है वो किया जा रहा है। गर्मियों के मौसम में तांदुला जलाशय से नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा अपने क्षेत्र के तालाबों में जल भराव कर पूरे क्षेत्र के जल स्तर को सुधारने का प्रयास प्रतिवर्ष किया जाता है। परंतु इस वर्ष गर्मी ने अपने तेवर कुछ पहले ही दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिससे तालाबों में भरा हुआ पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। जरूरी होगा कि जल्द से जल्द इन तालाबों को भरकर पूरे क्षेत्र के भूजल स्तर को बनाए रखा जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।